ये दहिया है मीठे पानी के। अच्छा मीठे पानी की है ये जी। सही हो गया। पर होंगे दंडिया। अच्छा ये पीले होते हैं। पीले पर होंगे क्या है ना इतने ये डॉट होंगे बड़े बड़े। अच्छा, ये डॉट होंगे ये साढ़े चार सौ ये मैक्सिमम मिल जाते हैं। चार सौ भी मिल जाते हैं जो हल्का क्वालिटी 1800 जिस हिसाब से भी मिल जाता है। अभी रेट कम है बड़ा जम्बू जिसको कहते हैं जम्बू इससे बड़ा होता है। ये जम्बू से छोटा थोड़ा असल व्यूअर वाओ इंडिया पार्टी चैनल की जानिब से आपको खुश आमदेद कहते हो। व्यूअर इस टाइम मैं मौजूद हूँ मिनी बांग्लादेश में यानी मूसा कॉलोनी के अंदर। तो यहाँ पे आपको फिश के रेट से भी अपडेट करते हुए बताते हैं कि मछली के क्या रेट चल रहे हैं। माशाल्लाह यहाँ पे हर अकसाम की मछली आपको दस्तियाब होगी और हर नस्ल की मीठे पानी की ले लें या समंदर के पानी की ले लें हर मछली यहाँ पे आपको सस्ते दामों पर मिलेगी। तो चलते हैं और आपको फिश के रेट से अपडेट करते हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करते जाएँ और कमेंट्स करें। तो चले आएँ फिर आपको रेट से अपडेट करते हैं। ये माशाल्लाह मदीना भाई खड़े तो इनसे रेट चेक करते हैं और आपको रेट से अपडेट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मदीना भाई क्या हाल है? वालेकुम सलाम। खैरियत से माशाल्लाह क्या हिसाब किताब चल रहा है? ये झींगा क्या हिसाब है? ये झींगा ये 1200 है 1150 में बेचते थे। अच्छा ये कौन सा ये जीरा? ये जीरा एक नंबर जीरा जिसमें बहुत ज्यादा निकलता है कचरा कम निकलता है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। अच्छा ये पापलेट? ये सफेद पापलेट है ये अच्छी क्वालिटी का है। सही है। ये 700 रुपये किलो है किलो में तुम्हारा 8 पीस है 8-9 पीस। अच्छा एक किलो में 8-9 पीस आ जाते आराम से। सही हो गया। अच्छा और ये कौन सा झींगा है? ये भी जेरा झींगा है। अच्छा ये भी जेरा छोटी है वो बड़ी साइज है ये छोटी साइज है ये 800 रुपये किलो है। सही हो गया। और ये क्या है? ये दहिया है मीठे पानी के। अच्छा मीठे पानी की है ये। सही हो गया। और ये वाली? ये खोपरा दान ये बहुत अच्छी टेस्ट वाली मछली है। अच्छा। ये समझ लो कि सीजन के हिसाब से आएगा तो 2-3 महीना आ जाए। सही हो गया। और इसके बराबर में ये वाली? ये दंडिया है। अच्छा पीले पर होंगे दंडिया। अच्छा ये पीले होते हैं? पीले पर होंगे। सही हो गया। काला भी होता है। अच्छा और ये दहिया है ये मीठे पानी इसी को दंडिया बोल के बेचते हैं। अच्छा इसको भी दंडिया? हाँ इसको दंडिया बोल के मर चलता भी दंडिया के नाम से ज़्यादा लोग पहचानते नहीं। एक कांटा होता है खा लेते सस्ता होता है 300-350 रुपये किलो होते सस्ता होता है इसलिए ले आते लोग। सही हो गया। बाकी ये सारम है। अच्छा ये सारम है? हाँ सारम क्या हिसाब चल रही है? ये सारम है मगर अक्सर जो साइकिल वाले होते हैं ठेले वाले होते हैं तो वो जो है ना इनको सुरमई बोल के बेचते हैं। अच्छा हाँ सुरमई ये नहीं होता है इसमें जो सारम का पहचान है ना इसमें ये डॉट होंगे बड़े बड़े। अच्छा, ये डॉट होंगे ठीक है। और ये ताजे का येलो शेड मारेंगे। अच्छा येलो शेड होगा सारम में और जो बड़े डॉट है ये सारम है सुरमे में कोई डॉट नहीं है। अच्छा सीधा सुरमई कलर होगा वो। अच्छा अच्छा सही हो गया। और ये ब्लैक कुन है? अच्छा ये ब्लैक कुंद है जी। ये ब्लैक कुंद है ये फ्रेश एकदम ये 450 रुपये मैक्सिमम मिल जाते हैं 400 भी मिल जाते जो हल्का क्वालिटी का हो। इसमें एक व्हाइट कुंद भी तो आती है ना जी इसका पहचान इससे होता है हाँ ये इनके दुमते होते हैं। अच्छा तुम जो काला होंगे ना उनके दुम काला होंगे। अच्छा जो ग्रीन व्हाइट होंगे उनके दुम ग्रीन हो जाएंगे। सही हो गया। अच्छा उसके बाद फिर ये बड़े साइज में पॉपलेट? जी बड़े साइज का पॉपलेट किलो में 2 पीस। अच्छा किलो में तकरीबन 2 पीस आ जाएंगे। 2 पीस सही है। ये क्या हिसाब है? ये 1000 रुपये किलो है मैक्सिमम अभी थोड़ा महंगा हो जाए तो तकरीबन ये 1500-2200-1800 जिस हिसाब से भी मिल जाता है। सही है। अभी रेट कम है अभी मिल जाएगा ये। अच्छा अभी रेट कम ये बिग झींगा बिग साइज का झींगा बड़ा जम्बू जिसको कहते हैं जम्बू इससे बड़ा होता है। अच्छा। ये जम्बू से छोटा थोड़ा। सही है। ये 1500 रुपये किलो है। सही हो गया। ये तकरीबन ये 30 दाने 35 दाने आएंगे 1 किलो में। किलो में सही हो गया। ये ओरिजिनल सुरमई है ये वाली ना? हाँ ये 2 दाने जो सुरमई कलर होगा पूरा। सही है। कलर भी सुरमई है ये ओरिजिनल सुरमई और भी बोर्ड है गोल्डन असल वाला। सही हो गया। और इसके साथ जो ये कौन सी है? ये व्हाइट कुंद है। अच्छा ये वाली व्हाइट कुंद है। हाँ ये आप देख सकते हैं व्हाइट कुंद है ये। सही हो गया। ये दुम ग्रीन होंगे। अच्छा ग्रीन ये ब्लैक होंगे। सही है। अच्छा तो सुरमई क्या हिसाब है? सुरमई अभी तो रेट सुरमई का रेट नीचे है 1000 रुपये तक मिल जाता है अच्छे माल जो अगर 19-20 माल हो लॉन्च वाला माल हो तकरीबन 900-950 मिल जाता है तो 150 रुपये भी फर्क है। अच्छा अभी ये तो माशाल्लाह अच्छे साइज है बड़े साइज भी बड़े 4 किलो 5 किलो 3 किलो मिल जाते हैं।
सही हो गया। हाँ। तो ये क्या हिसाब बता रहे हैं आप? वाइट कुन 700। हाँ, फिर जो एक नंबर ताज़ा माल होता है ना, उसका रेट बढ़ा हुआ होता है। अच्छा, अच्छे माल का अच्छे रेट होता है। सही हो गया। हाँ, हल्के माल का कोई रेट नहीं होता। तो सुरमई तकरीबन 950 रुपये किलो है? नहीं, ये अच्छे माल है, इसका तकरीबन कम से कम रेट 1000 रुपये। अच्छा, कम से कम कम रेट 1000 रुपये। सही हो गया। सही हो गया। अच्छा, ये कौन सी है? वही दहिया है, मीठे पानी वाली है, जो दंडिया बोल के लोग बेचते थे बाहर। ये शेरी है, मुल्ला। अच्छा, मुल्ला जिसको कहते हैं, इसको डांगरी भी बोल के बेचते हैं। अच्छा अच्छा, ओरिजिनल नाम है मुल्ला। इसके क्या रेट है? इसके रेट है 600 रुपए किलो। सही हो गया। और ये कौन सी है? ये अहमद जैक। अच्छा, एमर जेट काफी। अच्छा, ये भी खारे पानी के? ये भी खारा पानी हमारे पास, इन टोटल खारा पानी है, बट दहिया मच्छी जो मीठे पानी है। सही हो गया। उसके साथ ये? ये ओडली धोतर। अच्छा, ये धोतर है, ओडली धोतर बोलते हैं। हाँ, सिपके वाली धोतर। सही, ये क्या हिसाब चल रही है? ये भी देख। सही हो गया। और ये रेडी हीरा, ओरिजिनल हीरा। सही है, ओरिजिनल है ये। ओरिजिनल, इसके जो ब्लैक निकालना है, ये ओरिजिनल है। लोग धोखा खा के रेड कलर के ले जाते हैं, वो दुल्हन मछली होती है, उनको हीरा बोल के बेचते लोग, सस्ता होता है, ले जाते हैं। अच्छे जायके में, उसके जायके में आसमान जमीन का फर्क है, पैसे भी फर्क है और जायके भी फर्क है, बहुत फर्क है। ओरिजिनल जो है ये, ओरिजिनल ये, ये देख सकते हैं व्यूअर आप, ये उसकी पहचान है, ओरिजिनल हीरा की, जिसको रेड स्नैपर भी कहते हैं ना, इंग्लिश में रेड स्नैपर कहते हैं उसको। सही हो गया। और ये खोपरा दान जिसको बोलते हैं। अच्छा, जायका बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। अच्छा, इसमें भी एक कांटा होता है? इसमें भी एक कांटा है, वाइट बोल के, जायका भी बहुत लजीज है। सही हो गया। जो वही सारा में बड़ी साइज का है। अच्छा, ये उससे बड़ी साइज का है। इसके फिंगर बोलना बोलना तब बेहतरीन बनता है। अच्छा, जबरदस्त। और ये गोल्डन धोतर है, 480। ये गोल्डन धोतर है, ये एक नंबर जो बोलते ना धोतर, ये वो है। अच्छा, सही हो गया। और ये काला कुन में बड़ा है, देखिए बड़ा था ना, इसमें भी काला धूम होगा। ये काला नहीं होगा, ये काला धूम होगा, काला धूम है। हाँ, इसमें जब आप एक किलो का लेंगे ना, उसका तब भी काला धूम होगा। अच्छा, और व्हाइट कुन का एक किलो का, आधा किलो का भी लेंगे, तब भी उसमें जो है ना, तब भी एकदम ग्रीन कलर का धूम निकलेगा। तो अगर कोई ऑनलाइन मतलब आपको कोई ऑर्डर करे तो आप पहुंचा देते हैं होम डिलीवरी? हाँ, पहुंचा देते हैं उसके घर तक, पहुंचा देते हैं, और यहाँ से अच्छा माल हम पहुंचाते हैं, कोशिश करें ताकि वो खाए दोबारा, हमें बात कोई बात ना निकले। सही, हम कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा माल पहुंचा देते हैं उनके घर तक। अब्दुल मतीन मेरा नाम है, जिस भाई को भी चाहिए ना तो वो मुझे ऑनलाइन फ़ोन कर सकते हैं। चलें, बड़ी मेहरबानी मतीन भाई, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। से चेक करते हैं और पूछते हैं कि ये इधर से फिश वगैरह खरीदते रहते हैं या पहली दफ़ा आए हैं? अस्सलाम वालेकुम। नहीं नहीं, मैं लेता रहता हूँ, यहाँ आता रहता हूँ। अच्छा, आप आते रहते हैं यहाँ पे? जी जी। तो कैसी होती है मछली यहाँ की? बेहतर है। अच्छा, बताओ आम मार्केट के मुकाबले में? बस ये मार्केट ज़रा बड़ी मार्केट है कंपेरेटिवली, तो यहाँ ज़रा वेराइटी ज़्यादा है। हाँ, ये तो वेराइटी ज़्यादा है। मछलियाँ जो आप चाहते हैं हर तरह की मछली मिल जाती है आपको यहाँ पर। जी भी, और ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। तो अपने और मोहम्मद अहसन को इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।